देखो नैना नूर जमाए, जो रूहों पर सनकोले, अरवाहें जो अरस की, सो जिन जाओ खिन भूले, सो जिन जाओ खिन भूले। दिल अरस नाम धराए के, प्राणेश्वर चरतिग्नि। इस महाश्रृंगार ग्रंथ में हमारे लिए परमधाम के अखंड सुख का द्वार खोल दिया है। चौपाई का पहला चरण है, देखो नैना नूर जमाल। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को सामूहिक रूप से कह रही है कि सब सुंदर साथ धनी के नेत्रों की तरफ देखे। एक के लिए संबोधन नहीं है, महामती जी की आत्मा तो देख रही है, प्रश्न यह है कि राज्य के नेत्रों को क्यों देखे। जो गुण हृदय में नहीं सो मुख पर देखे जाए। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम का आनंद सागर उमड़ रहा है, आनंद का आनंद सागर उमड़ रहा है, शांति का आनंद सागर उमड़ रहा है, सौंदर्य का एकत्व का सारा रस हृदय में है। हृदय में जो कुछ होता है वो नेत्रों के द्वारा प्रकट हो जाता है। और जब तक हमारी अंतरात्मा की आंखें, हमारे अंतःचक्षु राज्य के नेत्रों की तरफ नहीं देखेंगे, कहा है पहले ही, भाव बेकुटी पल पापड़ मुस्कत नीलवट कैस। राज्य की भावें कैसी, ब्रिकुटी दोनों भावों के बीच का स्थान कैसा है, इसको कहते हैं भाव। ब्रिकुटी पल पापड़, आंखों की ये पलके कैसी हैं, ये मुस्कत निलवट केस, मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, और जो कानों के ऊपर घुघराले बालों की लड़े आई हैं वो कैसी हैं। जब तक ये झलक में नहीं आती तब तक हमारे अंतर चक्षु नहीं खुल सकते। खुले अंतर के पट, हमारे ऊपर से माया का पर्दा पूरी तरह से हट रही। हृदय में जो कुछ होता है वो वास्तविक रूप से नेत्रों से प्रकट होता है। हम वाणी के द्वारा अपने वाक चतुर्य से छिपा सकते हैं, इसलिए बोल चाल में कहावत कही जाती है, देखत ही हर से नहीं नैन नहीं सुने। आप किसी के घर जाएंगे, किसी के पास, तो उसके हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए आपको देखकर। यदि प्रसन्नता नहीं होती है, नेत्रों से प्रेम नहीं टपकता है, औपचारिक शिष्टाचार तो कोई भी निभालेगा, रटी रटाई भाषा बोलते देते हैं, कैसे हैं, आपके आने से बहुत खुशी हुई, ये रटी रटाई भाषा है। लेकिन हृदय का प्रेम आंखों से प्रकट होता है, और प्रेम की भाषा मुख होती है। प्रेम को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, प्रेम तो शब्दातीत कहा जो हुआ प्रेम के घर। संसार में जो कुछ कहा जाता है वो वास्तव में प्रेम नहीं होता, प्रेम वास्तव में मुख होता है, जो बोलता नहीं है वो अपना लक्षण दिखाता है। और जब हमें प्रियतम अक्षरातीत को पाना है तो उस प्रेम के सागर को देखना पड़ेगा जो उनके हृदय में हुआ है, और वो सागर प्रकट होता है आंखों के द्वारा। देखत ही हरसे नहीं नैने ने स्नेह, तुलसी वागर जाइए कंचन वागर न जाइए कंचन बरसे में। क्या कहा है तुलसीदास जी ने, यदि सोने की भी वर्षा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए जिसकी आंखों में प्रेम न टूटता हो। ये तो संसार के लिए एक सिखापन है। हमें राज्य को पाना है, राज्य को देखना है, तो उनके नेत्रों को देखिए। परम धाम में सभी अंगों की समान महत्ता है, लेकिन इस दुनिया में अलग अलग अंगों की अलग अलग विशेषता है। आप किसी सम्मानित व्यक्ति के सामने जाएंगे तो ज्यादा देर तक आंखों की तरफ नहीं देखेंगे, उसके चरणों की तरफ देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, क्योंकि सम्मान है। माता पिता गुरु आचार्य के सामने जाते हैं तो सिर नीचा करके खड़े रहते हैं। लेकिन जिससे प्रेम होता है उसकी कहां है, धनी के चरण कमल, धनी के मुखारविंद की शोभा। अब सब सुंदर साथ के लिए वाहन है, हमारे समाज में एक भ्रांति चल गई है कि राज्य को देखा नहीं जा सकता,
वाणी क्या कह रही है। हमारे समाज की एक महान हस्ती हुए हैं, कई वर्ष पहले उन्होंने अचानक मेरे से पूछ लिया कि तुम कितने देर ध्यान करते हो। आज से 20-22 साल पुरानी बात है, जब मैं रतनपुरी रहा करता था। मैंने कहा कि 2 घंटा, तो इतने गुस्से में लाल हो गए। उनका कहना था कि 5 मिनट के लिए तुम राज्य को देख नहीं सकते, तो 2 घंटे में तो तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाएगा, तो कैसे देख सकते हो। मैंने हंसते हुए उनकी बात को टाल दिया, क्योंकि वह वयोवृद्ध थे, उनकी बात को खटा नहीं जा सकता था। वाणी क्या कह रही है, देखो नैना नूर जमाल, आपको प्रेम चाहिए तो उस प्रेम के सागर की तरफ देखिए। भर्तृहरि ने कहा है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना बहुत सरल है, लेकिन किसी रमणी के नेत्रों के बाणों से अपनी रक्षा कर लेना सरल नहीं होता है। बड़े बड़े महारथी भी, योगी यति भी हार जाते हैं। क्यों? किसी का भी प्रेम हो, यदि नेत्रों से छलकता हुआ प्रेम किसी के हृदय में आ गया तो वो अपना हृदय खो बैठता है। अब हमें तो अक्षरातीत को पाना है, उनके नेत्रों को देखना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमधाम में चरणों में भी वही गुण है जो नेत्रों में गुण है, लेकिन इस कालमय के ब्रह्मांड में नहीं। कालमय के ब्रह्मांड में हर अंग की अलग अलग विशेषता है। चरण हमारे अंदर धनी की शरणागत, धनी के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। जैसे आप किसी के पास निष्ठा के साथ जाएंगे, पूछा जाएगा आप किस लिए आए हो, कैसे आए हो, तो क्या कहेंगे, हम आपके चरणों में आए। जहां कई वर्षों के बिछड़े प्रेमी हो, दो मित्र हैं, पति पत्नी है, भाई भाई, मैं दुनिया का रिश्ता बता रहा हूं, परम धाम के संबंध को छोड़िए, यदि 12 वर्ष के बाद अचानक मिले हो जाए, 20 वर्षों के बाद सामने आए, तो क्या दुनिया की तरफ प्रणाम करेंगे? क्योंकि दोनों के होठ सिले रहेंगे, आंखें देखे तीर, आंखों की भाषा सबसे पवित्र होती है। आप देखिए, 6 माह का बालक कोई भाषा नहीं जानता। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता है कुछ सालों के बाद, हिंदुस्तान में पैदा हुआ बच्चा यहाँ की भाषा बोलने लगता है, अरब में पैदा हुआ बच्चा वहां की भाषा बोलने लगता है। लेकिन एक ऐसी भाषा होती है उसकी और उसके माँ के बीच में, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, और बच्चा भी माँ की आंखों को देखकर समझ जाता है कि माँ खुश है या नाराज है। पशु पक्षी भी आंखों की भाषा समझते हैं। आप पशु पक्षियों के पास जाकर देखिए, गाय जिस दिन बच्चा पैदा करती है उसके 2 घंटे तक आप उसको छू नहीं सकते। कहने का भाव क्या है, हर चेतन प्राणी का के हृदय का कोना प्रेम की तरफ भागना चाह रहा है, लेकिन संसार में प्रेम मिलता नहीं। प्रेम का अनंत सागर है राज्य का हृदय, और हमारी आत्मा और उनका आत्मा का हृदय और धनी का हृदय दो नहीं है। अर्स तन दिल में ए दिल अंतर पट को चुना है। परात्म का तन क्या है, राज्य का तन है। जब हम वहां की दृष्टि से देखें, वहां के भावों से, तो हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है। पर्दा इसलिए है क्योंकि हमने माया का तन धारण कर रखा है, और जिस जीव पर हमारी आत्मा बैठी है, हमारी आत्मा स्वयं को जीव माने बैठी। भूल यहां से शुरू होती है। जब हम अपने जीव को देखते हैं तो जीव काम क्रोध मद लोभ अहंकार की भट्टी में तप रहा होता है। हमको विश्वास ही नहीं होता कि हम राज्य के तन भी हो सकते हैं। ऐसे तो हमारे समाज में एक रोग चल गया है, हर जगह कोई सुंदर सात राज्य बन रहा है, कोई श्यामा जी, एक बीमारी है। शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, परात्म का प्रतिबिंब लेकर बैठे हैं। परात्म के भाव से जब तक हम भावित हैं, तब तक हम कह सकते हैं कि हम राज्य के स्वरूप हैं। लेकिन माया के संसार में हम शरीर को राज्य नहीं बना सकते, शरीर तो नश्वर है। हमारी परात्म राज्य का स्वरूप है, हमारी आत्मा राज्य का स्वरूप है। लेकिन जब हम राज्य के भाव में हैं, तो हमें शरीर और संसार नहीं दिखना चाहिए। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, देखो नैना नूर जमाल जरूर प्रसन्न को। अच्छा, अतीत का हृदय क्या करता है,
अपनी परम धाम के आत्माओं के लिए अनंत आनंद लुटाता रहता है। वो क्या है? दया का सागर है, दया सिंध सुख सागर। हर पल उसकी कृपा बरस रही है। हम सोचते हैं कि हम सागर का पाठ करेंगे तो राज्य कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम मांगे या ना मांगे, मांगे या ना मांगे, मूल संबंध से अचरतीत हर पल हमारे लिए प्रेम का सागर लिए हुए। तभी तो कहा है, मैं आसिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इसके बोल। आसिक किसको कहते हैं? जिसके रोम रोम में मासूक बसता है उसको आसिक कहलाने की शोभा है। हमारे हृदय में एक घंटे के लिए राज्य बसे या ना बसे, राज्य के हर रोम में परम धाम की आत्माओं के सिवा कुछ नहीं है। हक को काम कुछ और नहीं, देवे रूहो लाडले चित। यदि हम राज्य की परिभाषा जान ले कि राज्य किसको कहते हैं, जो हमसे अनंत गुना प्रेम करता है वो है अच्छाते। लेकिन हमने राज्य को एक संसार का देवी देवता बना रखा है। हमारी पूजा पाठ की पद्धति सब दुनिया वालों की तरह है। हम भी जैसे दुनिया वाले आरती भोग घंटी घड़ियाल परिक्रमा पाठ पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अक्षरातीत के अनुसिद्ध अधिकार है, उनका दीदार करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारी सामर्थ्य है परम धाम के संबंध से कि राज्य के नख से सिख तक के अंग कुशोभा को देखें, उनके नेत्रों में उमड़ते हुए उस प्रेम के सागर को देखें जो हृदय में छिपे बैठा है। हृदय का अनंत प्रेम कहाँ से प्रकट होगा? नेत्रों में प्रकट होगा। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, प्रेम का अनंत भंडार। शराब पिलावत नैन सो साकी सिद्धार्थ। और प्रीतम अक्षरातीत क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि राज्य हमसे प्रेम नहीं करते क्योंकि संसार में हमें संसार में बहुत कुछ देखने को मिलता है। परिवार के रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, समाज के भी रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन अक्षरातीत है जो क्या कहते हैं, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मुझे साथ। साथ करने का अर्थ क्या होता है, क्या होता है? मैंने कई बार चर्चा में इसका जिक्र किया है। कुरान के 12 हरूफ मुक्तियात में एक साथ भी होता है। साथ दुनिया की भक्ति में नहीं आता। साथ उसको कहते हैं जिसमें मैं समाप्त हो जाए, मेरा समाप्त हो जाए, शरीर समाप्त हो जाए, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, केवल तू और तेरा रह जाए। कोई चाहत नहीं रह जाए राज्य से कुछ पाने की। राज्य से इल्म नहीं चाहिए, परम धाम भी नहीं चाहिए, कोई सुख भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल तू आ जाए मेरे हृदय में और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मात्मा को प्रियात्मा को प्रीतम मिल जाए और उसके लिए अपना हृदय उसको दे दिया जाए जैसे हथेली पर आंवला रख कर दिया जाता है। न्याय दर्शन का एक सूत्र आता है, हस्त आमलक वत्वा। हाथ पर जैसे आंवला रख कर देना सरल होता है, अपना हृदय राज्य को दे दीजिए। हस्त आमलक वत्वा, हाथ पर जैसे आंवला रख कर देना सरल होता है, अपना हृदय राज्य को दे दीजिए। इसको कहते हैं साध करना। इसमें पाठ नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, भोग नहीं लगेगा, माला फेरना नहीं होगा। ये तो दुनिया की भक्ति है, नौदा भक्ति दुनिया कर रही है। आप जितनी की उन गहराइयों में डूब जाइए, जब आप किसी से आपका गहरा लगा हो उसके नेत्रों की तरफ देखिए तो उसकी पुतली और तारे में आपका भाव हो, उसके नेत्रों की तरफ देखिए तो उसकी पुतली और तारे में आपका प्रतिबिंब दिखता है। आप तो उसकी पुतली में दिखेंगे, इसका तात्पर्य क्या है? नेत्रों में आप बसते हो। मेरा बहने में बहुत भावुक भावनों में क्या कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदला। कबीर जी ने इसको दोहराया है। वाणी में बार बार कहा जाता है, मेरे रो नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखू मासों को तो मेरे रो पावे और सुख जाए। मैंने अपने नेत्रों की पुतलियों में अपने प्राणेश्वर को रखूं, ये कब होगा? मैं हक देखूं, हक देखे मुझे। जब इस दुनिया में भी आप जब किसी के सामने होते हैं तो उसके नेत्रों की पुतली और तारे में आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। आप यही भाव लीजिए कि परात्म में के श्रृंगार से आपकी आत्मा राज्य के सामने साक्षात बैठी। जैसे अक्षर की आत्मा को जब मेराज होता है
दोनों के बीच में राज्ञी और अक्षर के बीच में कितनी दूरी रह गई, धनुष के दो कोनों के बीच की दूरी। मेरे राजनामा में तो लिखा है कि ऐसा लगा कि दोनों के घुटने सट से गए। परम धाम में तो सांसें नहीं चलती, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से जब दो व्यक्ति आमने सामने हों और लगे कि दोनों के घुटने सटे हों, सांस आ रही हो दोनों की, उतनी नजदीकी हो गई थी अक्षर की आत्मा और राज्य के बीच में। आप भी अपने को महसूस कीजिए कि हमारी सुरता परात्म का श्रृंगार सजकर मुरमिलावे में राज्य के सम्मुख बैठी है और प्रीतम के नेत्रों को देख रही है। सत्ता का भाव हटा दीजिए, क्योंकि अक्षरातीत से भय करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेम का सागर है उसके पास भय नाम की वस्तु नहीं है। वह तो कहते हैं मासुक कर लिखे तुमको तो भी लिए ना तुमको, मैं आसिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, मैंने संसार के सभी ग्रंथों में प्रेम की भाषा लिखी है और तुमको अपना मासुक लिखा है प्रियतमा, कि तुम्हारा एक एक अंग मेरी हर रोम रोम में बसता है। हम 24 घंटे में एक घंटे दो घंटे कुछ आधा घंटे समय देते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा काम होता है तो 15 मिनट समय देते हैं, लेकिन राज्य 24 घंटे हर पल हमें देखते रहते हैं। उनके प्रेम का करोड़वां अंश भी हम उनके नहीं पूरा कर सकते। हम तो थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, राज जी आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, इतने दिन हो गए मेहर सागर का पाठ करते हुए, सेवा पूजा करते हुए, लेकिन हम राज जी के प्रेम को तो नहीं देखते। इंद्रावती जी की आत्मा ने सब सुंदर साथ के लिए परम धाम का अखंड दरवाजा तो खोला ही, श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में कह दिया हुक्मे इश्क का द्वार खुल जाए, परम धाम के प्रेम का द्वार। जब आया प्रेम सुहागी तो मोहजल लहरा भागी, प्रेम आएगा तो भी माया हटेगी अन्यथा नहीं हटेगी। अब देखिए इस माया से पार करने होने के लिए सुखदेव ने, सनकादिक ने, अक्षर की पंचवासनाओं ने कितना कठोर तप किया, साधनाएं की। सुखदेव की तरह हमारा जीव नहीं बन सकता, शंकर जी की तरह हम कैलाश पर्वत की गुफा में बैठ करके समाधि भी नहीं लगा सकते। विष्णु भगवान शिव से अपने बैठे हुए समाधिस्थ हैं, सभी लगे हुए, लेकिन माया सुख संकादिक ने नौ टेली, लक्ष्मी नारायण ने फेरी बड़ी, विष्णु वैकुंठ लीदा माया सागर शिखर मुख्यतः किसी को नहीं छोड़ रही है। किंतु परम धाम की एक प्रेम की बूंद हमारे हृदय में आ जाए तो माया गई पोताने घेर की स्थिति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह प्रेम अक्षरातीत के हृदय से आया है। हम ध्यान साधना करते हैं, अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक परम धाम के प्रेम की लहर नहीं आएगी माया हमको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि पल भर के लिए धनी का प्रेम आ गया तो राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाएगा, और यदि हमने थोड़ी देर के लिए भी राज्य के नेत्रों को प्रेम भाव से देख लिया तो हमारे जन्म जन्मांतरों के विकार को प्रेम भाव से देख लिया तो हमारे जन्म जन्मांतरों के विकार जो हजारों जन्मों में कठोर साधनाओं से नहीं पूरे दूर हो सकते वो हमारा साथ छोड़ जाएंगे। केवल हृदय से कहना है कि मेरे प्राणेश्वर मेरे जीव के इन विकारों को दूर कर दो। आप सच्चे हृदय से कहिए, आप सच्चे हृदय से धनी का आह्वान कीजिए, आपके हृदय में तो वो बसते ही है, केवल माया का पर्दा हटाने की देर है। आपको केवल ये कहना है कि मेरे प्राणवल्लभ मेरे धाम हृदय में आ जाइए नक से सिख तक की शोभा के साथ, ताकि मेरी आत्मा आपके मुखारविंद को देख सके, होठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं, रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल। अब इस संसार में उस धाम धनी के मुखारविंद के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में जो तन होते हैं मिट्टी के तन होते हैं, पंचभूतात्मक होते हैं। वृद्धावस्था में चेहरे का सुंदर किस संसार की भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये नयन कोई संसार के नयन नहीं है। अक्षातीत के हृदय में जो प्रेम का अनंत सागर उमड़ता है उसका करोड़वां अंश जो है केवल ब्रह्म में है, और केवल ब्रह्म में जो प्रेम का सागर उमड़ता है उसका करोड़वां अंश अव्याकृत में है। अव्याकृत में जो प्रेम का सागर उमड़ता है उसकी एक लहर मात्र निराकार में, और निराकार में जो प्रेम है का सुख है
उसका अंश मात्र वैकुंठ में है। पृथ्वी पर तो उस वैकुंठ के सागर की एक लहर ही सारे पृथ्वी के प्राणियों को तृप्त करती है। आप सोचिए हम किस झूठी दुनिया में जी रहे हैं। यदि हर कोई प्रतिदिन रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद राज जी के मुखार बिंद को देखे, मुस्कुराते हुए होठों को देखे, दांतों को देखे कि राज जी के दांत कैसे दिख रहे हैं, दांतों को देखे कि राज जी के दांत कैसे दिख रहे हैं, इस माया के दांतों से तुलना न कीजिए, ये तो माया का संसार है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाल, उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए राज जी का मुखार बिंद कैसा है। हम अपनी आत्मा को प्रीतम की छवि की तरफ ले चलें और जहां यह सारा संसार समाप्त हो गया है, तभी महामती जी की आत्मा कह रही है, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, अरवा होए जो अर्ज की सो चिन जाओ की। किसके लिए कहा जा रहा है? केवल परमधाम की आत्माओं के लिए, ईश्वरी सृष्टि के लिए संबोधन नहीं है। अरवा हो जो अर्श की सो जिन जाओ खिन भूल, एक क्षण के लिए भी राजी के नेत्रों को नहीं भूलना है, क्योंकि उन नेत्रों में धनी का प्रेम समाया है, वे नेत्र हमें बुलाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था नेत्र बोलते हैं, नेत्र हंसते हैं, नेत्र रोते हैं, हृदय की सारी भावनाएं नेत्रों से प्रकट हो जाती है। कोई मुख से न रोए, मुख से न बोले, लेकिन उसकी मुख से न बोले लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। उसी तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चौपाई कही थी, अर्स्तन दिल में ए दिल, अर्स्तन पर आत्मा का तन, अर्स्तन दिल में ए दिल, हमारी आत्मा का दिल क्या है? परात्म के तन दिल से जुड़ा हुआ है। परात्म का ही दिल प्रतिबिंबित होकर यहाँ आत्मा के दिल के रूप में। अब हमें अपनी आत्मा के धाम में तैर, मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, मेरी आत्मा क्या है? मेरी रूह नयन की पुतली है, परात्म रूपी नयन की पुतली है, पुतली में भी तारा है, तीन पुतलियों के नयन, उसमें मैं अपनी आत्मा के अंतःकरण, पुतली के अंदर जैसे तारा होता है, मैं अपने प्राणेश्वर को बसा लूं तो पाऊं अर्श सुख चैन, तो मुझे परम धाम का आनंद मिलेगा। इस प्रकरण में एक बात है, तो उसमें तीन कोने होते हैं, जो आगे वाला होता है वो तो धंसता जाता है, पीछे के जो दो कोने होते हैं जब वो धंस जाते हैं तो उससे निकलना नहीं जाता, निकलना बहुत कठिन होता है। जब खैचत भर कशिश तुम मुतलक डारत मार, खैचत भर कशिश, आप देखिए परम धाम की लीला का मुख्य गुण क्या है, हर स्वरूप दूसरे को अपने से अनंत गुना चाहता है। संसार में ऐसा नहीं होता, संसार में हर कोई अपने को चाहता है, इससे संसार में प्रेम नहीं है। कोई अपना हृदय देना नहीं चाहता, इससे संसार में प्रेम नहीं है। परिवार के रिश्ते भी टूट जाते हैं, सांसारिक कामनाओं के बंधन जब पूरे नहीं होते हैं तो ये शरीर के रिश्ते भी टूट जाया करते हैं, लेकिन ये तो वह संबंध है सागर और उसकी लहरों का। अनंत सागर उमड़ रहा है, सागर ही लहरों में परिवर्तित और उसकी लहरों का, अनंत सागर उमड़ रहा है, सागर ही लहरों में परिवर्तित हो रहा है, वही उमड़ रहा है। देखने वाले कह रहे हैं कि सागर अपनी लहरों के साथ खेल रहा है। लहरें और सागर दो नहीं है, सूर्य और उसकी किरणें दो नहीं है, परब्रह्म और उनकी आत्माएं दो नहीं है, दोनों एक अद्वैत वहदत के स्वरूप है और आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि प्रेम का स्थितिजन, प्रेम का प्रतिकरण कम होगा। अब मौसमी में कितना भी रस भरा है, रखे रखे तो ऐसे ही रहेगा, जब तक उसको निचोड़ेंगे नहीं तब तक रस का स्वाद आप बता नहीं सकते। सागर जब तक उमड़ेगा नहीं तब तक उसको सागर कैसे कहा जाएगा, उसकी लीला कैसे प्रकट होगी? और वह लीला प्रकट होती है आत्माओं के द्वारा, एक ही अक्षरातीत अपने ही अद्वैत स्वरूप में, स्वलीला अद्वैत स्वरूप में, श्यामा जी के रूप में प्रकट हो रहा है, वही सखियों के रूप में है। अब उनकी सुरता यहाँ इसके पा रही है, क्योंकि हम देखते हैं, हम कभी बालक होते हैं, युवा होते हैं, फिर बुढ़ापे की तरह जो चलने लगते हैं, तो सोचते हैं कि क्या एक दिन हमें मर जाना पड़ेगा। हम अपने काले कलूटे शरीर को देखते हैं, अपनी झोपड़ी को देखते हैं,
तो हमारे अंदर साहस भी नहीं होता कि अनंत ब्रह्मांडों का जो सृजन करता परमात्मा है उसके बराबरी में हम अपने को देखें। अहंकार मत कीजिए, अपनी विद्या का नहीं, धन का नहीं, रूप का नहीं, पद प्रतिष्ठा का नहीं, लेकिन आत्मा के संबंध से जब तक आप ये भाव नहीं लेंगे कि मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूं। जब वेद के अनुयायी ये मान सकते हैं कि वयम तो हम आपके हैं, सुंदर साथ में भाव नहीं पैदा होता कि हमारी परात्म धनी का ही अंग है, हमारा सर्वस्व धनी का है और हमें उसी अधिकार से राज्य को पुकारना है कि मेरे धाम धनी मेरे ऊपर से माया का आवरण से विराजमान हो जाइए। तभी तो कहा है अरवाहे जो अर्ष की सो जिन जाओ किन भूल, जो परम धाम की आत्मा होगी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलेगी राज्य के नेत्रों को, कि क्योंकि उन नयनों में प्रेम समाया है। तीन कोने क्या है, यदि हमें प्रेम चाहिए तो धनी के नेत्रों में जाना पड़ेगा, शांति चाहिए तो धनी के नेत्रों में जाना पड़ेगा, आनंद चाहिए तो धनी के नेत्रों में जाना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं। जब हमें प्रारंभिक अवस्था में धनी से संबंध की पहचान कराई जाती है तो प्रकाश हिंदुस्तानी में एक चौपाई आती है, गुण धनी के याद कर पकड़ पीर के पांव, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचा। बात सही है, धनी के गुणों को याद करें और धनी के चरणों को पकड़े। ये कब कहा जाता है, जब हमको कहा जाता है कि आप चितवनी करो, शुरू शुरू में हमारी ये अवस्था होती है। अब बात सही है, धनी के गुणों को याद करें और धनी के चरणों को पकड़े। ये कब कहा जाता है, जब हमको कहा जाता है कि आप चितवनी करो, शुरू शुरू में हमारी ये अवस्था होती है। अब आप परिक्रमा ग्रंथ का चिंतन कर चुके हैं, सागर ग्रंथ में डुबकी लगा चुके हैं, श्रृंगार में आप प्रवेश कर चुके हैं। श्रृंगार में तो एक एक अंग में डूबना पड़ेगा, अब ये नहीं कि चरणों में प्रणाम करना, ये बहुत पीछे छूट गया। वैसे श्रृंगार की कई बातें बहुत अटपटी लगेगी, हाँ जिनको अटपटी लगती है उनको विश्वास ही नहीं होता। हाँ यदि वाणी में डुबकी लगाएंगे तो अंतरात्मा से आवाज आएगी कि ये बिल्कुल सच है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। अरवाहे जो अर्ष की सो जिन जाओ किन भूल, जो परम धाम की आत्मा है एक क्षण के लिए भी धनी के नेत्रों को न भूले, क्योंकि उसी में हमारे जीवन का सर्वस्व है। मुखारविंद की शोभा, आनंद का सागर धनी का मुखारविंद, और शांति का सागर उन्हीं के मुखारविंद, उन्हीं की नक्श सिख तक की शोभा। ये तीन तिकोने हैं जो एक बार जिसके आगे का जो कोना है जो अंदर प्रवेश करता है तीर का, वो क्या है, प्रेम। दोनों कोने शांति और आनंद की गूंज कर रहे हैं कि यदि हर परमात्मा को इस माया के सागर में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो धनी के मुखारविंद को बसाना पड़ेगा। ऐसा न समझिए कि चरणों का ध्यान करेंगे तो राज्य का मुखारविंद नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। किसी भी अंग में जिसमें आपकी रुचि हो ध्यान लग जाए, ध्यान शुष्क ध्यान नहीं, प्रेम भरा ध्यान। एक तो भय का ध्यान होता है, एक मर्यादा का ध्यान होता है। भय क्या होता है, जैसे आदिनारायण की भक्ति करने वाले सोचते होता है, भय क्या होता है, जैसे आदिनारायण की भक्ति करने वाले सोचते हैं कि आज हम अपने इष्ट देव की भक्ति नहीं करेंगे तो उनकी कृपा नहीं बरसेगी, ये भय है। एक मर्यादा कि मैंने जो साधना की है वो पूरी करते रहनी है। एक है अनन्य प्रेम का ध्यान कि मेरा हृदय उसी का है, मेरा रोम रोम उसी का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं और मेरी आत्मा भी अपना अलग अस्तित्व तो नहीं रहती, मेरी आत्मा भी उसी का है। जब ये समर्पण की भावना आ जाएगी कि मेरी आत्मा का सर्वस्व भी उसी का है, तो ये जो प्रेममय ध्यान है, प्रेम कहते किसको है, जिसमें शरीर और संसार ना दिखे। शरीर और संसार को जो कुछ चाहिए वो हमें ना चाहिए। संसार में रहने के लिए क्या चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख के साधन चाहिए, और इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा ने राज्य से कुछ नहीं मांगा, राज्य कह रहे हैं कि इंद्रावती मैं तेरे तन में बैठूंगा, तुम्हारे तन से परम धाम की आत्माओं को जगाऊंगा। इंद्रावती कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो आपा दे रही, तुम ही रखे जी, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं।
देवचंद जी के तन से हंसी कराई जाती है। देवचंद जी कहते हैं कि राजी मेरे तन से जागनी कराओ। 69 पातियां भी लिखवाते हैं, लेकिन कि इसलिए हमें सिखापन देने के लिए कि अब सागर श्रृंगार का अवतरण हो चुका है, अब सुंदर सार परम धाम के स्वलीला अद्वैत में डूबने का प्रयास है। लेकिन कैसी स्थिति है, 300 वर्ष हो गए वाणी को अवतरित हुए, आज भी वही माला का जप, वही पूजा पाठ, वही परिक्रमा, वही हो, सारा समाज इसी में लगा हुआ है। जब आया प्रेम सुहागी तो मोहजल लहरा भागी, परिक्रमा में साफ कर दिया है और परिक्रमा की पहली चौपाई जिसको इलाज में अब कमरे इश्क के बाद इश्क शब्द अतीत सच्चा। यदि परम धाम देखना है तो क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। कह दिया अब आओ रे इश्क भानुआ, करो चरण तले विश्राम, बिलसु पिया जी सो प्रेम काम। प्रीतम से आनंद करना है, धनी के चरणों को देखना है तो क्या चाहिए, धनी का प्रेम चाहिए। और धनी का प्रेम कैसे आएगा, इस शरीर को भूलने का प्रयास कीजिए, अपने आप प्रेम आ जाएगा। आप परात्म का श्रृंगार सचिए, हमेशा इस भाव में रखिए कि मेरा स्वरूप परात्म का है और जो धनी का अधिकार है मेरा भी अधिकार है। आप असहाय होकर गिड़गिड़ा करके मत प्रार्थना कीजिए जैसे संसार के लोग करते हैं, हे परमात्मा कृपा कर देना, ये दे देना, ये दे देना। आप किससे मांग रहे हैं, जो आपका है उसी से आप भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने की प्रवृत्ति ही हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी हमारे अंदर परात्म की भावना ही नहीं आएगी। आप प्रेम से अपना हृदय उनको दीजिए, शरीर और संसार से रहित हो जाइए। जब ध्यान में बैठिए चितवनी में, ध्यान का मतलब जो आजकल योग चारों तरफ सिखाया जा रहा है वो ध्यान में नहीं कह रहा हूं, प्रेममयी ध्यान। आजकल तो 10 मिनट के लिए कोई आंखें बंद कर लेता है, पूछा जाए क्या कर रहे हो, कह देता है ध्यान कर रहे हैं। उसको ध्यान नहीं कहते, वो तो धारणा है। शरीर भी स्थिर नहीं हुआ तो ध्यान में कैसे चले गए। अभी तो शरीर आपका हिल डुल रहा है, शरीर का आभास है कि मैं यहां बैठा हूं। आप राज्य में इतने डूब जाइए कि आपको शरीर का पता ही ना हो, क्योंकि आपका ये शरीर अब नहीं रहा, आपने परात्म का श्रृंगार कर लिया। परात्म के भाव में जब आप भावित हो गए, यमुना जी में स्नान करने के बाद आपका परात्म का श्रृंगार है और वही परात्म का श्रृंगार मूल मिलावे में पहुंच रहा है, उन्हीं भाव में आप डूबिए तो वो प्रेममय ध्यान हो पाएगा। उस समय आपके अंदर से राग द्वेष काम क्रोध कोई विकार नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं सब सुंदर साथ से कि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आहार की सात्विकता अनिवार्य है, शरीर की स्थिरता अनिवार्य है, प्रीतम के लिए तड़प होनी अनिवार्य है। आपको अपना हृदय देना ही पड़ेगा। आपका हृदय यदि राज्य के लिए समर्पित है तो राज्य और कुछ नहीं मांगते, वे आपसे कीमती रुमाले नहीं मांगते। आप रुमाल बनाते हैं, बागे बनाते हैं, जो पैसे वाले होते हैं बढ़िया बना देते हैं, सोते हैं कि राज्य इससे मिल जाएगा। आप उनके जान को फैलाइए, उनके प्रति सबके हृदय में विश्वास जगाइए कि इस संसार में यदि कोई हमारा अटूट सहारा है तो केवल राज्य का सहारा है। आप अंधकार में भटकते हुए को ज्ञान का प्रकाश देंगे तो राज्य इससे खुश होंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या है, आपने अपना हृदय उनको दे दिया। तभी तो इंद्रावती जी कहती है जानो तो राजी रखो जानो तो दिलगीर, या पाक करो भाती अपना या बैठा हो मैं तक से। आप मुझे खुश रखो या दुखी करो, मेरा जीव यहां दुखी हो या खुश हो मुझे कोई चिंता नहीं। गुनहगारों की लाइन में मुझे खड़ा कर दो, मुझे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बना दो या हादी के रूप में सुभा दे दो, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं तो आपा दे चुकी, मैंने तो स्वयं सब कुछ आ कहती है। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर भर जी, आप दिखाओगे तो देखूंगी। मैं हर पल आपको देखने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, मेरी आंखें केवल आपको देखना चाहती हैं, संसार को नहीं देखना चाहती, मैं खुद को भी नहीं देखना चाहती। मेरी आत्मा आपकी है, आप मेरे प्राणेश्वर है, मेरे जीवन के आधार हैं, तो आप माया का पर्दा हटाकर अपना दीदार करा दो, ये आपके ऊपर है।
जब समर्पण पूरा हो जाता है तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है और ऐसा प्रेम का बाण अचूक होता है, राज्य का सिंहासन भी हिल जाएगा। ऐसा नहीं है, उनका सिंहासन तो आपके हृदय में अखंड रूप से बसता है। कमी हमारे समर्पण में रह जाती है, हमारे विशुद्ध प्रेम में रह जाती है। जब उसकी कसौटी पर हम स्वयं को खरा सिद्ध कर देंगे तो प्रीतम तो हर पल जो एक बात कहते हैं कि एक बार मुझको रिचाओ साथ करो, यही है साथ करो, बार मुझको रिचाओ साथ करो, यही है साथ करना। हिमालय की गुफाओं में भी बड़े बड़े योगी बैठे हैं, एक बार के बैठे बैठे कई कई दिन बैठे रहते हैं, कई कई हफ्ते बैठे रहते हैं, लेकिन वो शुष्क ध्यान है, बैठे हैं बैठे हैं, एक बिंदु पर मन को केंद्रित कर लिया, ज्योतिर्बिंद पर केंद्रित कर लिया। और इसमें तो एक प्रियतमा अपने प्राणेश्वर को नख से सिख तक देख रही है, एक एक अंग में स्वयं को डुबो दे रही है, अपने डुबो करके स्वयं के अस्तित्व को मिटा दे रही है। आप परात्म के भाव से राजी के नेत्रों में देखिए, उनके कानों को देखिए, जब कानों को देखिए तो सबको भूल जाइए, माथे को देखिए तो और को भूल जाइए, होठों को देखिए तो और सबको भूल जाइए, क्योंकि आपके अंदर इतना प्रेम हो। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंग का अलग अलग प्रकरण दे दिया है। हक मासुक के नेत्र अंग, हक मासुक के श्रवण अंग, हक मासुम के खुले अंग छाती, हक मासुम के चरण अंग। कहने का भाव क्या है, जब चरणों को देखे तो उसी में डूब जाए। चारों जोड़े चरण के ये जो वर्ष मुखन, मैंने अनेकों बार इस चौपाई को उद्धृत किया, चारों जोड़े चरण के, राज्य के चरणों में चार आभूषण है, झांझरी घुंघरी कांबी और कल्ला, ये लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरण। हृदय में जब धनी के चरण कमल आ जाएंगे तो नख से सिक तक का पूरा श्रृंगार आपके सामने आ जाएगा। जब आप आंखें बंद करते हैं कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे जैसे आपका समर्पण परिपक्व होता जाएगा, प्रेम परिपक्व होता जाएगा, तो निश्चित है कि आपके हृदय में धनी की सुभा की झलक आने लगेगी। जैसे जैसे प्रेम गहरा होता जाएगा वो झलक भी गहरी होती जाएगी, और एक पल ऐसा आएगा कि आपके शांत प्रेम भरे हृदय में नख से सिक तक श्रृंगार सजकर वो बैठा रहेगा। आप चाहोगे क्योंकि वो हट जाए, वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। जब हृदय में प्रवेश कर जाता है तो माया को पहले हटा देता है। अब जैसे देखिए ये ट्यूबलाइट जलती रहे, आधी रात भी हो जाएगी तो इस कक्ष में अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बसी है उसमें माया का प्रवेश नहीं हो पाएगा। और सुंदर साथ को अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए यही करना पड़ेगा, देखो नैना नूर जमार जो रूहो प्रसन्न को। हम अपने प्राणवल्लभ के उन मधुर नेत्रों की तरफ देखें, सबके लिए निर्देश है। इंद्रावती जी नहीं कह रही है कि मैं देखूं, वो तो देख रही है, सबके लिए निर्देश है कि देखो, सब सुंदर हो, सब सुंदर साथ देखें। किसको, राज्य के नेत्रों को। देखो नैना नूर जमाल जो रूहो पर संकुल, अरवा हो जो अर्ष की सो जिन जाओ के। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा हो एक क्षण के लिए भी राज्य के नेत्रों को ना भूले। आपने पहले पढ़ा है, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए एक पलक न पीछे फेरिए। जो इसका अंग बजे प्रेम कैसे आएगा, के मूल मिलावे से हमारी पलकें, पलक न पीछे फरिए का तात्पर्य पलकें हमेशा देखती रहें। जैसे किसी को आप देख रहे हैं, पलक यदि बंद हो गई तो उस उतने क्षण के लिए देखना बंद हो जाता है। पलक ने पीछे फेरिए यानी बिना पलक झपकाए अपलक नेत्रों से हम उन मिलावा को देखते रहे। ये आंख तो वहां पहुंच नहीं सकती, आत्मा की दृष्टि पहुंचेगी, और आत्मा की दृष्टि के पलक का न झपकने का तात्पर्य आत्मा की दृष्टि अखंड बनी रहे। जितनी देर आप राज्य की शोभा में डूबे रहिए उतनी देर तक आपका मन कभी भी संसार में न आए, संसार में फंसे नहीं। इसको कहते हैं पलक ने पीछे फेरिए जो इश्क अंग पूजे। इश्क कैसे आए, संसार में न आए, संसार में फंसे नहीं। इसको कहते हैं पलक ने पीछे फेरिए जो इश्क अंग पूजे। इश्क कैसे आएगा, इश्क नाचने कूदने से नहीं आएगा,
ढोल ढमाके जोर जोर से पीटने से नहीं आएगा। इश्क कैसे आएगा? इश्क का जो स्वरूप है उसको दिल में बसाने से इश्क आएगा। वो जिसने प्रीतम की छवि को प्रतिदिन सोने से पहले और उठने के बाद पहला कार्य है अपने हृदय में धनी की सुबह को बसाना। हमारी प्राथमिकता होती है कि उठने के बाद हम किसको पहले याद करते हैं, जो सबसे पहले प्रिय होगा। आपको नहाने की औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। सवेरे उठते हैं तो पहला कार्य कीजिए कि इस ब्रह्मांड को देखने से पहले राज्य को देखिए। जब सोने जाते हैं तो अपना जो आपका सबसे बड़ा प्रीतम है सोते समय भी वही आता है। ये दो काम यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जागने की राह बहुत ही सरल हो जाएगी। आपके हृदय में कल वही बसा रहेगा और आपके हृदय में उसके अतिरिक्त कोई नहीं बस पाएगा, माया का प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपके हृदय में कौन रहेगा? आपका परमधाम। परमधाम में कौन है? युगल स्वरूप ब्रह्मात्माएं हैं। आपके हृदय में युगल स्वरूप रहेंगे, परमधाम की ब्रह्मात्माओं की छवि रहेगी। संसार के रिश्ते आपके लिए बंधन का कारण। कितने भी थके मारते हो, शरीर थककर चूर है, फिर भी सोने से पहले 5 मिनट तो अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर का आह्वान कर लीजिए। रात को निद्रा के बाद जब आपकी थकान दूर हो जाती है तो बिना किसी से बात किए आप हाथ मुंह धोकर भी यदि स्नान कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो शरीर के आलस को एक गिलास पानी पीकर के दूर कर लीजिए और बैठ जाइए। रांची आपसे क्या मांगते हैं? न तो बढ़िया मिठाई का पैकेट मांगते हैं कि भूख लगा दो, न देवकों की पंक्ति मांग रहे। अपने हृदय में तो उनको सर्वेश्वर का स्थान दीजिए कि वही आपके सर्वस्व हैं। संसार में अपनी सुरता को भटकाने से पहले सारा काम छोड़कर, करोड़ों काम लगे हो पहले वो छोड़कर आप अपने प्राणेश्वर को हृदय में बसा लीजिए। आप बहाना बना सकते हैं कि अभी मेरे घर विवाह है, सर को हृदय में बसा लीजिए। आप बहाना बना सकते हैं कि अभी मेरे घर विवाह है, कोई कार्यक्रम है, आज ध्यान नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। जिस तरह से संसार में जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से चित्वनि भी अनिवार्य। यासो जीवे लीवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिंथे मिटत प्यास। यासो जीवे लीवे श्वास, ब्रह्मात्मा इस शरीर संसार में तन धारण की हुई है तो किससे जी रही है? क्योंकि राज जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखती है, क्योंकि वही उनके जीवन। आसिक के रूह चरण, ब्रह्मात्मा जो आसिक है, आसिक इन चरण के धनी के चरणों के आसिक ब्रह्मात्मा है, और आसिक के रूह चरण धनी के चरण कमल ही ब्रह्मात्माओं की रूह है। यानी चरणों के बिना कोई भी ब्रह्मात्मा इस संसार में, और आपको जागने के लिए वही करना है। सारा काम छोड़ दीजिए। मैंने कई साल पहले ये बात कही थी, 100 काम छोड़कर समय पर भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, 1,00,000 काम छोड़कर वाणी पढ़िए, और करोड़ों काम छोड़ दीजिए। चितवनी का समय हो तो चितवनी अवश्य कीजिए, लेकिन दिखावे की चितवनी नहीं कि सबको ढोल पीट देना कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि आप चितवनी कर रहे हैं। आपका और धनी का प्रेम केवल आप दो को मालूम रहे। पड़ोसी पल ना सुन सके यो आसिक छिपी रो, किसी को भी पता ना हो कि आप रात को चितवनी करते हैं। और उस विरह और प्रेम की अवस्था में जब आप शरीर और संसार से परे हो जाएंगे, यदि आपके घर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा आवश्यक नहीं कि आप 1 घंटे के लिए ही करें। विशेष स्थिति है, 1/2 घंटे के लिए बैठिए, 15 मिनट के लिए भी बैठिए, लेकिन 15 मिनट के लिए राज्य को अपना हृदय दे दीजिए, उसके बाद काम में लग जाइए। हाँ, लेकिन याद रहे कि एक दिन 15 मिनट हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिदिन 15 मिनट। विशेष परिस्थितियों में आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो भी बैठने को नहीं मिला, लेटे लेटे भी किसी को पता ना चले, अपने हृदय में प्रीतम की छवि को बसा लीजिए कि मेरा धाम धनी नक्श में। दिल अरस नाम धराय के, नैना वर्णो नूर चमार। एक पीड़ा है महामती जी की आत्मा की कि मैं अपने हृदय को धनी का अर्श कर चुकी हूं,
क्योंकि ऊपर तले अर्श न गया, अर्श गया मोमिन कलू। कुरान में हदीसों में एक वाक्य आता है, कलूबे मोमिन अर्श अमरस्त। ब्रह्मात्माओं का हृदय ही धनी का धाम होता है। मैं अपने हृदय को धनी का अर्श यदि कहती हूं और राज्य के नेत्रों का वर्णन करती हूं तो कितने आश्चर्य की बात है। ये कौन करेगा? जिसका हृदय पत्थर हो वही तो कर सकेगा, क्योंकि प्रेम की भाषा मूक होती है। महामती जी के तन से राज्य कहलवा रहे हैं, अन्यथा यदि यह वर्णन नहीं होता तो आज 300 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, हम और आप इसका आनंद कहां से ले सकते थे। इसलिए सब सुंदर साथ के आनंद के लिए राज्य ने साहेब के हुक्मे के लिए राज्य ने साहेब के हुक्मे ये बाणी गावत है। महामती शब्दों में ये वाणी अलग है, शब्दातीत निदलाय शब्द में मिट्टो समन को अंधकार। जो शब्द में नहीं आ सकता था आज सारे संसार में चले जाइए, संसार के सभी वेद के विद्वानों को एकत्रित कर लीजिए, कुरान के विद्वानों को एकत्रित कर लीजिए, किसी से पूछिए सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप क्या है, कोई नहीं बताएगा। सभी यही कहेंगे अनंत प्रकाश है, अनंत ज्योति है, अनंत आनंद है, अनंत शांति, बस यही कहकर मौन हो जाएंगे। अनंत प्रकाश है, कहां कहां तक है कुछ पता नहीं, कहां है तो कहेंगे किसी संसार में है, अंतर्दृष्टि जब खोलेंगे तो इसी संसार के कण कण में अनंत प्रकाश दिखेगा। आप रामकृष्ण मिशन का सारा साहित्य पढ़ लीजिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अनुभूति कराया था, विवेकानंद अपने मुख से कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि कमरे की हर वस्तु में प्रकाश देते हैं, कि मुझे लग रहा था कि कमरे की हर वस्तु में प्रकाशमयी है, सभी ब्रह्म रूप दिखने लगे। वो तो अपना अनुभव होता है, सारे संसार के मनीषी जन यही कहेंगे, लेकिन वाणी क्या कह रही है? जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुगम जो अर्श जीव में पका। किसी मानव की आकृति का वर्णन नहीं हो रहा है, सौंदर्य का जो अनंत सागर है, ज्योति का अनंत सागर है, उसने लीला रूप में ऐसी शोभा को धारण कर रखा है जिसका वर्णन वह स्वयं कर रहा है। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर और इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि दिल अर्श नाम धराय के नैना वर्णो नोर जमा। पीड़ा है कि संसार के प्रेमी भी अपने प्रेमास्पद की शोभा का वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम की भाषा मुख होती है। जहां प्रेम हृदय में उमड़ता है तो उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। शून्य में जो भी शब्द है समा जाएंगे, क्योंकि शब्द इस संसार के हैं। प्रेम कहाँ है? इस संसार से परे निराकार के पार थे दिन पार के पार, वो परम धाम का प्रेम है। लेकिन अनहोनी को राज्य ने होनी में बदल दिया, असंभव को संभव कर दिया। जो आज तक संभव नहीं था, परम धाम के मूल संबंध के कारण राज्य ने अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है कि हम यही बैठे बैठे वाणी का आधार लेकर, प्रेम के पंख लगाकर अपनी आत्मा को परम धाम के 25 पक्षों में घुमा सकते हैं, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को अपने हृदय में बसा सकते हैं और राज्य के हृदय में डुबकी लगाकर उनके सागरों को माप सकते हैं और मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मारिफत की अवस्था क्या है? जिसमें हमें और धनी में कोई भेद न रह जाए, हमें और धनी में कोई भेद न रह जाए। एक सिवली एक सूफी फकीर हुए हैं, उनके पास एक जिज्ञासु गया, कहा कि आप हमें दीक्षा दीजिए, जिसको बैत लेना कहते हैं सूफी विचारधारा में, जिसको हम तारतम लेना या हिंदू विचारधारा में बैत दीक्षा लेना कहते हैं, सूफी विचारधारा में उसको बैत लेना कहते हैं, जिसमें गुरु के हाथों को चूमा जाता है शिष्य के द्वारा। हिंदू परंपरा में तो चरणों में शीश झुकाया जाता है, उनकी परंपरा ऐसी है। शिवली ने उसको बैठा दिया, कहा कि बोलो ला इला इल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह। वो कहा कि नहीं, ला इला इल्लल्लाह शिवली रसूलल्लाह। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, आप मोहम्मद की जगह अपना नाम दे रहे हैं, मैं आपसे दीक्षा नहीं लूंगा। नाराज होकर चला गया। शिवली मुस्कुराते रह गए, कहा कि अच्छी बात है। एक दूसरा व्यक्ति आया,
कुछ समय के बाद उससे भी उन्होंने बोला ला, बोलो ला इलाहा इल्ला सिबली रसूलल्लाह। वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे दीक्षा नहीं लूंगा। पूछा क्यों? कहा कि देखिए पूरी कुरान मुझे कंठस्थ है, मुझको कलमा याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पांचों वक्त नमाज पढ़ता हूँ, खुदा की इबादत में पूरी रात रहता हूँ। मैंने तो सोचा कि आप खुदा से मिलकर खुद खुदा हो गए होंगे, अब आप अभी अपने को रसूल ही कह रहे हैं तो मुझे आपसे दीक्षा नहीं लेनी है। अब सोचिए उसकी सोच कितनी ऊंची है, खुदा से मिलने वाला खुदा बन जाए। इसका मतलब नहीं कि सब सुंदर साथ परब्रह्म के स्वरूप हो गए, राज्य के स्वरूप। उस अवस्था में जब शरीर और संसार, नदी जब सागर में मिलती है तो नदी का नाम समाप्त हो जाता है, वो सागर हो जाता है। उसी तरह से शिवली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बैत तो तुझे को ही दूंगा, क्योंकि पहला व्यक्ति संसार में मुझे मिला है जो ये बात कहता है कि शिवली अल्लाह से मिलकर अल्लाह हो गए होते और तूने ये पहचान की। अब सोचिए कहने का अर्थ क्या है। जो भाई है बाणी के मारिया किया काढ़िया किया और किया हो जुदा, मैं खुद ही समाप्त कर दिया, अपने हृदय से निकाल दिया और किया हो जुदा। कहने से भी अलग हो जाए कि हमने मैं खुद ही को निकाल दिया, इस बात को भी मुख से न कहिए, क्योंकि आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। आप सबको ढोल पीटते रहेंगे, देखो मेरे अंदर किसी की मैं खुद ही नहीं है, मैं खुद ही नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? कहीं ना कहीं मैं खुद ही आपके अंदर बैठी हुई है। मैं तो सबको सुनाता फिरता है, आपको मालूम है मैंने करोड़ों की दौलत को लात मार दिया और फकीरी बोल दी। अरे भाई लात तो मारा है तूने, लेकिन धीरे से मारा है। बढ़िया से ठोकर मार दिया होता तो तेरी जीवा ही नहीं खुलती कि मैंने लात मारी है। उसी तरह से मैं खुद ही का बंधन राज्य की कृपा से आपको छोड़ दिया गया, इन मैंने डुबिया सबको। ये तो सबसे बड़ी बाधा है प्रेम में। सबसे बड़ी बाधा क्या है? मैं का पर्दा। आपके और धनी के बीच में यदि कोई बंधन है तो मैं का बंधन है। सुंदर साथ में भी लड़ाइयां क्यों हो रही है? दूसरे पंथ वालों में लड़ाइयां क्यों नहीं हो रही है? माया सबको छका रही है। जितने आश्रम है मंदिर है सब में झगड़े, सुंदर साथ के मोहल्ले मोहल्ले में झगड़े, ज्ञानियों के बीच में आपस में झगड़े, कहीं प्रेम नहीं दिख रहा। इन मैं में डूबिया सब कोई या को पार न पावे को झगड़े, सुंदर साथ के मोहल्ले मोहल्ले में झगड़े, ज्ञानियों के बीच में आपस में झगड़े, कहीं प्रेम नहीं दिख रहा। इन मैं में डूबिया सब कोई या को पार न पावे को, याको पार सो पावे जाको मुतलक बख्शीसो। जिस पर राज्य की पूर्ण कृपा होगी वही इस मय के बंधन से परे हो जाएगा। जिसने मय के बंधन को पार कर लिया उसके लिए प्रेम का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। और जिसने अस्तित्व को मिटा दिया वो प्रेम के सागर को पाने का अधिकारी बन गया। उसके हृदय के में प्रेम का अखंड रस प्रवाहित होगा। तभी कहते हैं यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे या खुदा। अब उसकी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम आकर के बस गए तो बाकी क्या रह गया? ए हो ये बिना, ए हो ये न बिना निस्बती है, ये थी हुई वहदत। ए हो ये न बिना निस्बती है, ये थी हुई वहदत। निस्बत वहदत देके तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। हम कहते हैं कि खिलवत कहाँ है? परम धाम। वहदत कहाँ है? परम धाम में। निस्बत वहदत खिलवत की हम बातें करते हैं कि परम धाम में हमारे अखंड संबंध है, हमारे अखंड तन बैठे हुए हैं, वही खिलवत है, वही वहदत है। वाणी क्या कहती है? इत जुदागी कहाँ रही जहां हके आए मुतलक। जब आपकी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम ने बसेरा कर लिया, प्रीतम का सिंहासन सज गया, नक्शे सिख तक आपके धाम हृदय में बस गए, आपने माया की मैं खुदी को छोड़ दी, तो आप में और धनी में भेद नहीं रह गया, आपका अस्तित्व ही नहीं रहे। आप देखन को तन सागर माई, आत्मा क्या रहती है? वो खेले प्रेमे पार प्यासो। खिलवत को यहाँ देखिए, अपनी आत्मा के हृदय में देखिए। वहदत को यहाँ देखिए, दिल अंतर पट को चुना। आपकी आत्मा के हृदय में और परात्मा के हृदय में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन ये तब होगा
जब आप राज्य के प्रेम में इतने डूब जाएं कि इस शरीर की याद न रह जाए, शरीर का आभास न रह जाए, शरीर के रिश्तों से न जुड़िए, आत्मा के मूल संबंध से जुड़िए, कर कबीला पार का अंकुर बन सुरधीर। कर कबीला पार का, हम अपने मूल संबंध को देखें कि हम परम धाम से आए हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है, और इस संसार से पार जाने के लिए राज जी ने एक स्वर्णिम पथ हमारे लिए दिया है, चितवनी का मार्ग, जिसमें रात को सोने से पहले अपने प्राणेश्वर को हम अपने हृदय में बसा लें। हाय हाय छेद न पड़े छाती में, महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरा हृदय कितना कठोर हो गया है कि मैं राज्य के नेत्रों का वर्णन कर रही हूं। कहने का से क्या, नेत्रों का वर्णन कौन हो करेगा, कथाकार जो होते हैं प्रवचन करने वाले करके घंटे प्रवचन कर देते हैं, प्रेम में डूबे हुए से प्रवचन करना बहुत कठिन है। जो के मुख बोले नहीं नयन देत रोए रोए, जब हृदय में प्रेम आ गया तो वाणी मौन हो जाती है, ऐसी स्थिति में कैसे बोला जाए। महामती जी की आत्मा कह रही है कि क्या मेरा हृदय इतना पत्थर हो गया है, मेरे छाती में छेद क्यों नहीं हो रहे। हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे ना रूह भाल, मेरी आत्मा का जो तन है इसके रोम रोम में भाले क्यों नहीं चुभ रहे हैं, क्या मेरा हृदय मेरा स्वरूप इतना कठोर हो गया है कि मैं राज्य के नेत्रों की शोभा का वर्णन कर क्यों नहीं चुभ रहे हैं, क्या मेरा हृदय मेरा स्वरूप इतना कठोर हो गया है कि मैं राज्य के नेत्रों की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। आप सोचिए, इस संसार के जो माया के प्रेमी होते हैं वो भी अपने प्रेमास्पद को देखने के पश्चात स्वयं के अस्तित्व को भुला देते हैं, वर्णन करने के सामर्थ्य नहीं रखते। लेकिन मैं महामती क्या ऐसा हो गया हूँ, मेरी आत्मा क्या इतनी कठोर हृदय वाली हो गई है कि राज्य के अंगों की शोभा का वर्णन करके अपने को आनंदित मान रही है। लेकिन ये असंभव को भी संभव किया जा रहा है केवल परम धाम की आत्माओं को सुख देने के लिए, ताकि चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी के, वाणी को पढ़ करके वाणी का चिंतन करके हर सुंदर साथ युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में आत्मसात करें, और यहीं बैठे बैठे परम धाम का सार में रहकर यदि आप अपना कुछ पल राज्य के लिए दे देंगे, जिसमें शरीर आपका ना रहे, संसार आपका ना रहे, आपका दिल भी आपका ना रहे, प्रेम में दिल ही तो देना होता है और उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखनी होती है। इन्हीं को समझाने के लिए महामती जी ने कहा है कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दिल की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेहर सागर का गोटा पढ़ लेते हैं और मन्नतों की लिस्ट लगा देते हैं कि राज्य हमारे बेटे का काम हो जाए, बेटी का काम हो जाए, दुकान का काम हो जाए। राज्य भी हंसते हैं, माया की चीजें दे देते हैं, लेकिन अखंड सुख जो है, अखंड प्रेम का सुख वो नहीं देते। उसको पाने के लिए इधर की कोई ख्वाहिश नहीं, केवल तू चाहिए, मेरे हृदय में तू आ, और इस तू का कोई दुनिया में अनुवाद नहीं है। संसार का कोई भी भाषाविद, कोई भी विद्वान इस तू, कोई भी भाषाविद, कोई भी विद्वान इस तू का अनुवाद नहीं कर सकता है। सबका अनुवाद कर देगा, बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद कर सकता है, लेकिन इस तू शब्द में जो रहस्य छिपा है, एक आत्मा जब अपने प्राणेश्वर को तू कह करके बोलती है तो प्रेम का सागर उसी में समा जाता है। इंद्रांती जी की आत्मा कह रही है कि मैं राज्य के नेत्रों का वर्णन कर रही हूँ, जिन नेत्रों में आप किसी भी प्रेमास्पद के नेत्रों की तरफ देखिए, उसकी नेत्रों और पुतली में आपका प्रतिबिंब झलकेगा। जो दूसरे के नेत्रों में स्वयं को देख रहा हो, क्या उसमें प्रवचन करेगा। इंद्रांती जी की आत्मा कह रही है कि तू क्या कर रही है, तू राज्य के नेत्रों का वर्णन कर रही है या प्रवचन दे रही है, संसार को बता रही है कि मेरे प्राणेश्वर के नेत्र ऐसे हैं। इसलिए कह रही है कि छाती में रोम रोम लगे ना रूह भाल, मेरी छाती में छेद क्यों नहीं हो जा रहे हैं। कहने का से क्या है, मेरा हृदय क्या इतना कठोर हो
कठोर हो गया है, जो रांची कठोर हो गया है, जो रांची के नेत्रों का वर्णन कर पा रहा है, जो प्रवचन करता है, कथाकार है, जिनको प्रेम की सुगंध नहीं मिली है, उनसे अच्छे से अच्छी लच्छेदार भाषा सुन लीजिए। वो सभा को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, नचा सकते हैं, लेकिन जो प्रेम में डूब जाएगा उसे बोला नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा, असंभव को भी संभव कराया राज्य ने महामति जी के तन से, नहीं तो महामति जी के साथ ही यह सुख सारा चला जाता। किंतु परमधाम की आत्माएं कैसे जागृत होती? जिन आत्माओं को जगाने के लिए परमधाम की ब्रह्मवाणी उतरी है, उसका लक्ष्य अधूरा रह जाता। इसलिए महामति जी की आत्मा को तो बेसुध कर दिया गया है। नाम महामति जी का आ रहा है, कहने की शोभा कालबोध को देगी। मूल स्वरूप में महामति जी के तन को तभी तो कहा है, श्रीमुख वाणी धनिये कही। कहने वाले कौन है? कौन है? स्वयं श्री राम जी। न इंद्रावती की वाणी है, न मीराज की वाणी है, न महामति की वाणी है, और इस वाणी के द्वारा परम धाम की हर आत्मा को यह आभास किया कराया जा रहा है कि भले ही तुम इस माया की झूठी दुनिया में रह रही हो, तुम्हारा प्राणेश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है, हर पल तुम्हारे हृदय में है। जैसा बाहर होते हैं जो हो ऐसा दे, अधिकिन प्यूनारा नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ी कमी क्या है? हम अंदर से उतने कोमल नहीं हो पाते हैं, उतने से प्रेम भरे नहीं हो पाते हैं, समर्पण की भाषा हम सीख नहीं पाते हैं। सत्य रखती अधिकिन प्यूनारा ने जो माए रहे मिले। आधे क्षण के लिए भी राज्य दूर नहीं है। एक क्षण किसको कहते हैं? आंखों के पलकों को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उसको एक क्षण कहते हैं। क्षण कहते हैं, राजी कहते हैं, मैं आधे क्षण के लिए भी तुमसे दूर नहीं हूं। आप यदि 15 मिनट के, क्या मैं कहता हूं 5 मिनट के लिए भी आप शरीर से परे हो जाइए, संसार से परे हो जाइए, अपना दिल राजी को दे दीजिए, आपके मन में कोई विचार न रहे शरीर और संसार से संबंधित, तो एक मिनट के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। अपना हृदय जिस दिन जिस क्षण राज्य को देंगे, नख से सिख तक राज्य का युगल स्वरूप का मुस्कुराता हुआ मुखारविंद आप अवश्य देखेंगे। आपको इस प्रयास में कठिनाई आती होगी, बैठने की कठिनाई, मन को रोकने की कठिनाई, कठिनाइयों का तो ये संसार है। आप हिम्मत न हारिए, आप लगे रहिए, अपनी अंतरात्मा से अपने प्राणेश्वर को पुकारिए। वो किसी मंदिर में नहीं बैठा है, किसी स्थान में नहीं बैठा है। ऊपर तले अर्चना कहिया, अर्श कहिया मोमिन करो, हर पल याद कीजिए। हमारे मन से हमारा प्रेम है, अनंत काल तक रहेगा। मेरी आत्मा ने 1638 से लेकर अब तक न जाने कितने तनों को धारण किया होगा, लेकिन मौत भी मेरी आत्मा और धनी के प्रेम को समाप्त नहीं कर सकती है। ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, हमारे और धनी का प्रेम नष्ट नहीं होगा। जब ये दृढ़ भावना रहेगी, जब आपकी आत्मा का अटूट समर्पण राज्य के लिए रहेगा, तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो आपको और राज्य के मिलन को दूर करती है। मिलन भी क्या, मिलन तो दो का होता है जहां दूर होते हैं, ये तो आपस में हिले मिले हैं। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब। जब हम ये बात समझ लेंगे कि मैं आत्मा रूप तो वही लहर हूं जो सागर से निकली हूं, सागर और मैं सागर में मिलने के बाद फिर सागर हो जाती हूं, मैं अलग कहां से हूं। लेकिन जब आप अलग देखने लगते हैं तो द्वैत खड़ा हो जाता है, शरीर दिखने लगता है, संसार दिखने लगता है। इसी को तो हटाना है। परमधाम के वहदत के संबंध से, परात्म के संबंध से आप अपनी आत्मा का श्रृंगार श्रृंगार कीजिए। मूल संबंध से, धनी से अपना अधिकार लीजिए। कटोरा लेकर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हृदय का समर्पण दीजिए, हृदय का समर्पण दे देंगे, राज्य आपको प्रेम का अधिकार दे देंगे। बिना समर्पण के प्रेम नहीं मिलेगा, अपना हृदय देना ही पड़ेगा। और जब आप अपना हृदय देते हैं तो कुछ मांगिए नहीं कि राज्य हमको इतना ज्ञान दे दीजिए कि सारे ब्रह्मांड को मैं तर्तव दे दूं, सारी दुनिया मेरे पीछे चले, सब जगह मेरी जय जयकार हो। यदि आप ये कहते हैं तो माया मांग रहे हैं। आप राज्य को अपना हृदय दीजिए, आपसे क्या सेवा लेना चाहते हैं ये उनकी लीला। लेकिन संसार की चीजें मांगकर
आप अपने प्रेम में दाग न लगाइए। प्रेम पवित्र है, प्रेम अनादि है, प्रेम अखंड है, प्रेम धनि का स्वरूप है। और जब उस प्रेम से अपने प्राणेश्वर को निहारेंगे तो राज्य भी आपके हृदय में हर पल रहेंगे, हर पल आपको उनके हर पल रहेंगे, हर पल आपको उनके मुस्कुराते हुए मुखारविंद की शोभा का एहसास होगा। और हमारी आत्मा इस संसार में रहते हुए भी ऐसा अनुभव करेगी कि संसार तो हमारे लिए है नहीं, जब तक ये खेल चल रहा है इस खेल में भी आपको बहतत का, निस्वत का, खिलवत का, परम धाम का सारा सुख मिलता रहेगा। आप जो पाते रहे रोम रोम लगे ना रूह भाल, दिल अरस नाम धराए के, नैना बरनो नूर जमाल, हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे।